लोगो डिजाइन या फिर आइकन डिजाइन, दोनों में से किस सर्विस को सिलेक्ट करें? अगर आप फाइवर पे न्यू भी हैं और आपको ऑर्डर्स गेट नहीं हो रहे या आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आपको लाजमी इसका पता होना चाहिए। हम प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ देखेंगे कि आप फाइवर पर लोगो डिजाइन या फिर आइकन डिजाइन, दोनों में से कौन सी ऐसी चीज है जिसके थ्रू ज्यादा ऑर्डर्स और ज्यादा अर्निंग गेट कर सकते हैं। बट बाय द वे, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को प्रैक्टिकली और सबसे पहले डिस्कस करते हैं लोगो डिजाइन। लोगो डिजाइन एक बड़ा ही मिनिमम और एक मैक्सिमम क्राइटेरिया है ग्राफिक डिजाइनर का। हर ग्राफिक डिजाइनर चाहता है कि वो एक लोगो डिजाइन सर्विस दे। जाहिर है, मुझे भी शुरू में एज अ ग्राफिक डिजाइनर बहुत हाइप होता था कि मैं भी ग्राफिक डिजाइनिंग की जो लोगो डिजाइन सर्विसेज हैं, इसमें मैस्कट लोगो है, इलस्ट्रेटिव लोगो है, जिसमें सिंपल लोगो, गेमिंग लोगो, अब तो बहुत लोगोस की टाइप्स आ गई हैं। वैसे भी फाइवर ने इसको फीचर्ड किया हुआ है अपने होम डैशबोर्ड पे, तो लोगो डिजाइन का तो अपना एक वैल्यूएबल है। बट अब देखा जाए तो भाई 1.5 लाख से ज्यादा सर्विसेज भी लोगो डिजाइन की भी अवेलेबल है, और फाइवर पर आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर गेट करने के लिए अपनी गिग या सर्विस से जरूरी है कि आपकी प्रोफाइल या गिग वो रैंक हो उसी कीवर्ड पर। सो लोगो डिजाइन में एट द बिगनिंग इट्स अ डिफिकल्ट टास्क कि आप उस पर रैंक कर सके। नाउ व्हाट्स द सेकंड पॉइंट, आप तब क्या कर सकते हैं भाई जान? अगर आपको बहुत शौक है लोगो डिजाइन की सर्विस देने का, आप एक गिग बना लें उस पर और उसमें थोड़ा सा कंपिटेटिव एसईओ एनालिसिस कर लें, जो कि टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को देख के होता है फाइबर पर। और सर्विसेज, आप किसी कीवर्ड के बारे में सर्च करें फाइबर के बाइंग डैशबोर्ड पर जाके, आपको पता चल जाएगा कि उस सर्विस में आपकी दाल गल सकती है कि नहीं। भाई मैं बात करता हूँ सेकेंड, आइकन डिजाइन। आइकन डिजाइन की सर्विसेज की जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी अपने फाइवर के लेस कंपटीशन गिग आइडियाज में, वहां पे मैंने डिस्कस की थी और जस्ट 500 सर्विसेज अवेलेबल थी। बट आफ्टर दैट तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों ने उसको वॉच की और दो दो तीन दफा और जिक्र किया, उस पर 3000 से ज्यादा गिग्स बन चुकी हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट कि अब आप लोग क्या करेंगे, अभी भी टाइम है, आप आइकन डिजाइन की वो गिग बना सकते हैं। जैसे लोगो डिजाइन बनता है भाई, इसी तरह आइकन डिजाइन होता है। आइकन्स की कहाँ पे जरूरत पड़ती है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। और लोगों को आपको पता है ब्रांडिंग के लिए, आइकन किस चीज के लिए? आइकन किसी चीज स्पेसिफिक ब्रांड के अंदर उसकी प्रेजेंटेशन के लिए है, किसी वेबसाइट पे आपको जरूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 24/7 सपोर्ट, तो 24/7 का मैं एक आइकन डिजाइन करवाऊंगा उस डिजाइनर से, और आइकन डिजाइन $10 का $5 के 3-4 हो जाते हैं। जिस तरह लोगो $5-$10 का होता है, इस तरह वो भी। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप गिग्स के देखें लोगो डिजाइनिंग के अंदर, तो भाई यहाँ पर तो बहुत बूम हो रहा है फाइबर पर। जो फ्रीलांसर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं इस कैटेगरी में, वो 1.5 लाख से 2.5 लाख से लोगो डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड करके अर्न कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड आपको जो है आइकन डिजाइन से शायद इतना अर्न ना हो सके, आप $100 मैक्सिमम $200-$250 टिकट जा सके। बट इफ यू हैव अ पोटेंशियल, अगर आप कर सकते हैं तो फिर वाकई आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप इससे लिमिटेड एक्सटेंट में आगे भी जा सकते हैं। तो पॉइंट इज डैड के आप लोग करेंगे क्या, मेरी माने तो आप लोग आइकन डिजाइन की सर्विस बनाए, आप लोग इलस्ट्रेटिव आइकन, आइकन डिजाइन, उसके बाद वेब आइकन्स, उसके बाद ऐप आइकन्स और मुख्तलिफ सर्विसेज अपनी गिग्स बना के रखें, अपनी प्रोफाइल पे इसको लाजमन ट्राई करें। और एक चीज़ जो गिग्स के एनालिटिक्स हैं उनके साथ अप टू डेट रहें, आपको पता होना चाहिए आपके गिग्स पे कितने इंप्रेशंस हैं, कितने व्यूज और कितने क्लिक्स हुए हैं। इन एनालिटिक्स के थ्रू आपको पता चलता रहेगा कि आपने टाइम टू टाइम कौन सी एडिशन करनी है अपने उस गिग के अंदर। अगर तो गिग के एनालिटिक्स 1000+ हो गए हैं, गिग को नहीं छेड़ना, गलती भी नहीं करनी, वो रिव्यूज लेती जाएगी। अच्छी गिग और इंप्रेशंस और व्यूज कैसे बढ़ते हैं? अच्छे इंप्रेशंस और व्यूज जो है वो गिग की इमेज से डिपेंड करते हैं। आपका थंबनेल, जिस तरह यूट्यूब पे थंबनेल है, जिस तरह मेरी वीडियो क्लिक करके आए हो, इसी तरह फाइबर पर गिग का थंबनेल है। अच्छा डिजाइन करना है, अपना मैक्सिमम पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं, मैक्सिमम रीच दिखा सकते हैं, ताकि लोग आपके पास आए, क्लिक करके देखें भाई सर्विस सेल क्या कर रहा है। लो कंपटीशन में आने के लिए आपको भाईजान लेस लो कॉस्ट पे सर्विस देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, लो कॉस्ट पे सर्विस दें, $5-$10 रखें, आपको ऑर्डर्स गेट होंगे। इसके बाद बायर्स रिक्वेस्ट, आपको पता बायर्स रिक्वेस्ट नहीं पता, मैं बताता हूँ। सेलिंग डैशबोर्ड पे मोर पे जाएं, या फिर अगर मोबाइल ऐप से हैं तो आइकन पे क्लिक करें और साइड पे 3 मेन्यू बार पे क्लिक करें। ऊपर आप देख रहे हैं बायर्स रिक्वेस्ट, यहाँ पर जिस तरह बिडिंग होती है फ्रीलांसर पे, upwork.com पे, सेम इज द फाइवर पे जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो बायर्स रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं।
ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटर्स, वेब डेवलपर्स, एनीवन, ठीक है, डिजिटल मार्केटर्स और वेब डिजाइनर्स डेवलपर्स नाराज ना होइएगा, आपके लिए भी एक बहुत अच्छी सी वीडियो आ रही है जिसमें मैं आप लोगों के टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, ना सिर्फ टॉपिक्स बल्कि आप लोगों के लिए गिग्स भी डिस्कस करूंगा जो कि लेस कंपटीशन होंगी, उन्हें लाजमी ट्राई आउट कीजिएगा। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर लें एंड मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा सा कमेंट करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं या फिर आपकी कोई सजेशन हो वो भी दे सकते हैं। अल्लाह ने के बाद।